अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है राना शराफत और आप देख रहे हैं टेक्निकल शराफत। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप भी अपनी जो यूट्यूब के चैनल की जो वेबसाइट पोस्टें हैं वगैरह, जो आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी बार बार आपको अपनी हर चीज़, अपनी जो भी सोशल मीडिया के या जो भी वेबसाइट वगैरह और आपके सोर्सेस हैं, ब्लॉग हैं, उन पर पोस्ट बार बार आपको पोस्ट ना करनी पड़े, तो जो आप अपने YouTube पे पोस्ट करें वो आपकी ऑटो मतलब हो जाएं ब्लॉग पे भी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आज आपको यही सिखाऊंगा और बहुत ही एक प्यारी वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप ये ऑटो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप अपने YouTube चैनल पे पोस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगी, आपके ट्विटर पे भी हो जाएगी, आपके वर्डप्रेस पे भी हो जाएगी, आपके ब्लॉग पे भी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही करके दिखाऊंगा आपके सामने लाइव, तो आप देखते रहें इस वीडियो को एंड तक और चलें शुरू करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके, आपके वीडियो के नीचे बटन आ रहा होगा रेड का, रेड निशान आ रहा होगा सब्सक्राइब लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करें। कोई भी इसके चार्जेज नहीं है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलें चलते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले कर लेना है अपनी जो भी आपकी गूगल है उसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, उसका नाम है IFTTT। ठीक है, उसके बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप के करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं, ये देखें मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो इधर लॉगिन है। लॉगिन होने के बाद आपके पास आए ये ऊपर आ रहे हैं, तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्कवर का आ रहा है, ठीक है, और आ रहा है सर्च का, माई अपडेट्स का, एक्टिविटी का। ठीक है, आपने इसके ऊपर साइन अप करके आपने लिखना क्या है, आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है IFTTT.com। ठीक है, इसके ऊपर आपने आके अपनी आईडी से साइन अप कर लेना है, जिस आईडी को आपने इधर यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास ये तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च का आ रहा है, माई अपडेट्स का आ रहा है, एक्टिविटी का आ रहा है। ठीक है, आपने जाना है माई अपडेट्स में। ठीक है, माई अपडेट्स में जाके जो आपने इधर क्रिएट किए होंगे वो यहाँ आपके शो होंगे। ठीक है, आपने करना है न्यू अपडेट्स क्रिएट। ठीक है, तो मैं इधर ये आप देख सकते हैं राइट साइड पर न्यू अपडेट्स लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जिस चीज़ का आपने मैं अपने यूट्यूब की वीडियो चाहता हूँ कि मेरी ऑटोमेटिकली ब्लॉग पे भी पोस्ट हो जाए, मैंने ब्लॉग बनाया है न्यू, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर भी जो वीडियो मैं अपनी टेक्निकल शराफत यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ वो मेरे ब्लॉग पे भी टेक्निकल शराफत पे अपलोड हो जाए, तो मैं आपको करके दिखाऊँगा आपके सामने। तो आपने करना क्या है, आपने जिस ये जो लिखा हुआ इफ़ दिस देन डैट, ठीक, आपने जिस पे ऊपर क्लिक करना है, ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास आप देख सकते हैं कि कितने ऑप्शन शुरू शो हो चुके हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की वीडियो आप करना चाहते हैं, तो मैं YouTube की करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे YouTube पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कनेक्ट YouTube। ठीक, वो कह रहे हैं कि कनेक्ट करो YouTube को, तो मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। कनेक्ट के ऊपर जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये रीडायरेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन से चैनल को आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, किस चैनल की भी पोस्ट आप ऑटो करना चाहते हैं कहीं भी। तो मैं टेक्निकल शराफत की करना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल शराफत के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस चैनल को आप मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इस चैनल को कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मांग रहा है अलाउ, कि आप परमिशन दें कि ये इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है सब आप अलाउ करते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपने अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास तीन चार पांच ऑप्शन आ गए हैं, ये आप वो पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी में आप शो करना चाहते हैं, न्यू लाइक्ड वीडियो, ठीक है, न्यू पब्लिक वीडियो अपलोडेड बाई यू, ठीक है, कि आप जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपकी जो भी अपलोड हो पब्लिक में तो वो आपकी इधर ब्लॉग में भी हो जाए, तो आपने न्यू पब्लिक वीडियो अपलोड बाय यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है यूट्यूब का। आगे ये पूछ रहा है कि देन डैट, ठीक, डैट के ऊपर आप अपने क्लिक करना है जिस पे आपने पोस्ट करनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये मांग रहा है कि किस पे करनी है, मैं इधर लिखूँगा ब्लॉग, ठीक, तो ब्लॉग लिखा तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर आ गया, ब्लॉगर पे क्लिक करता हूं तो आप ये पूछ रहा है ब्लॉगर कनेक्ट करें, ठीक है,
तो मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन सी आईडी पे आपका ब्लॉग है, तो मैं मेरा इसी आईडी पे है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप मांग रहा है वन टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, ठीक है, ये भी इसका भी अलाउ मांग रहा है तो मैं इसका भी अलाउ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आपने आ जाना है ब्लॉग पे, आपने जब अलाउ करेंगे तो आपके पास ये टू ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट ए पोस्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट ए पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने ये जो नीचे वाला आपने देख सकते हैं कि ये आपका ऊपर टाइटल आएगा और नीचे आपका एम्बेड कोड आएगा जो वीडियो का होगा, और नीचे आपका आएगा ये जो लिखा हुआ है ये आपने कट कर देना है क्योंकि ये IFTTT की वेबसाइट का है, तो आपने इसको कट कर देना है और नीचे आ जाना है। आपने ये IFTTT भी लिखा हुआ है इसको भी आपने कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना है क्रिएट एक्शन पर क्लिक। तो क्रिएट एक्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपका एप्लेट जो है क्रिएट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ यू पब्लिक वीडियो अपलोड देन क्रिएट पोस्ट योर ब्लॉगर, ठीक है। तो ये आपके ब्लॉग पर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी, तो आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑन होना चाहिए या आपका ऑफ नहीं होना चाहिए, आपने इसको ऑफ रखना है, ठीक है। ऑफ रखने के बाद आपने कर देना है सेव के ऊपर क्लिक। आप देख सकते हैं कि ये आपका ऐसे ऐसे शो होगा, आपकी पोस्ट जो भी है यूट्यूब की ऐसे शो होगी, तो आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर आ गया अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। तो ये आपका अपडेट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। आपने देखना है कि ये मेरा अपडेट जो क्रिएट हुआ है, तो आप देख सकते हैं माई अपडेट पे आपने आना है। अब ये देख सकते हैं ये कंपनी का है और ये आपने क्रिएट किया है, इफ़ न्यू पब्लिक वीडियो अपलोडेड देन क्रिएट ए पोस्ट ऑन योर ब्लॉग, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये नीचे ब्लॉग का निशान आ रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों आपने फिर से अगर कोई और कनेक्ट करना है तो आपने न्यू अपडेट्स पर क्लिक करना है। न्यू अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपने दिस पे क्लिक करना है, और दिस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इधर आपने करना है ब्लॉगर ब्लॉग। दोस्तों ऐसे ही आप अपने पोस्ट को कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी के बावजूद। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपनी किसी भी वेबसाइट की जो भी आपने पोस्ट अपलोड करनी है, ऑटो अपलोड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप जाके न्यू प्लेट्स में जाएंगे और वहां से आप सेलेक्ट करेंगे और जहां पे करनी है वो सेलेक्ट करके आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने करके आपको दिखाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि दोस्तों आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके जो आपके जो भी मैं इधर नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों बेल आइकन के निशान के ऊपर भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलें चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।